आगरा में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में हुई प्रदूषणों की जांच में खुलासा हुआ है कि आगरा प्रदूषित शहरों में 8वें नंबर पर है। शहर में इस समय प्रदूषण का ग्राफ PM 2.5 है, जो कि शहरवासियों और ताजमहल के लिए खतरनाक है। कुछ जगह तो ऐसी हैं कि वहाँ निकलने में भी दुश्वार हो रहा है वहाँ पर, और कुछ काफ़ी जगह है वहाँ पर जो सफाई के कारण बनी नहीं पा रहे वहाँ पर, और कुछ भी कहो किसी से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही वहाँ पर। प्रदूषण तो काफ़ी फैल रहा है कुछ गाड़ियों से भी, और कुछ गंदगी वहाँ पर, जिससे कुछ बॉडी के अंदर इन्फेक्शन भी हो रहा है। वहीं नगर निगम के नगर आयुक्त का कहना है कि जो लोग कूड़ा जलाते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, उनकी वजह से शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है। इन सब पर रोक लगाने के लिए हमारी टीम काम कर रही है। प्रदूषण का यहाँ एक बड़ा इशू है, जिसमें क्रिमेटोरियम भी यहाँ लागू है, TTZ अथॉरिटी भी है, और एक सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी भी इन चीज़ों को मॉनिटर करती है। हमारे पास करीब पॉल्यूशन को नापने के लिए 6 पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टेशंस भी यहाँ बना रखे हैं, और पूरी मॉनिटरिंग होती है। इसमें जो हमने फॉर्मेट बनाया है, हमने आगरा शहर को 4 जोन में बांट करके 4 जोनल अधिकारियों को हमने व्हीकल प्रोवाइड की है, और उनसे उनको ये मैंडेट दिया है, उनके पास रशीद बुक रखी है चालान करने की। उनको ये निर्देश है कि जो लोग पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग कूड़ा जला रहे हैं, जो लोग आवारा पशु छोड़ रहे हैं, जो ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए हमारे इन्फोर्समेंट की कार्रवाई 4 जोनों में लगातार चल रही है। बुधवार रात आए तूफान से आगरा में कई जगह दीवार गिरने से 24 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है। तूफान में घायल और मरने वालों को आनंद फानन में परिजन सरकारी एम्बुलेंस और निजी वाहनों से SNN इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां इलाज की उचित व्यवस्था न होने पर मरीजों के परिजनों ने नाराजगी देखी गई। तूफान के बाद कुछ मरीज तो स्ट्रेचर के अभाव में इमरजेंसी के अंदर तक नहीं पहुंच पाए। ACM पंचम सुनील कुमार सिंह ने बताया कि तूफान में कई लोगों की मौत हो गई है, वहीं घायलों का इलाज SM मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। यूपी के फतेहपुर जिले में 9 सेंटरों में संचालित DLD के 2017 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आया है। इस बात की सूचना मिलते ही अधिकारियों तक पहुंची तो जिले के अधिकारी पेपर लीक हुए मामले की जानकारी लेने में जुट गए हैं, और बाद में पता चला कि सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञान, सामाजिक अध्ययन व मैथ्स का पेपर लीक हो गया है। फतेहपुर की सदर तहसील के मंडी समिति में बीती रात आए तूफान में कई कुंतल गेहूं बारिश में भीग कर खराब हो गया। पीड़ित किसानों की माने तो क्रय केंद्रों में बिगौलिया हावी है, यहां हफ्तों से भटक रहे हैं लेकिन तौल नहीं हो रही है। हालांकि इस मामले में जब DM से बात की गई तो उनका कहना था कि बीती रात हुई बारिश से नुकसान का आकलन कराया जा रहा है, सरकारी आकलन के बाद किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसमें समस्त तहसीलों को SDM को तहसीलदार को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी फसलों की क्षतिपूर्ति हुई है उसका आकलन कर लें और मुआवजे के लिए यहाँ पे रिपोर्ट भेज दें। साथ ही साथ कोई अगर मृत्यु वगैरह हुई है या पशु की हानि हुई है तो उसकी भी रिपोर्ट भेज दें। जहाँ तक अभी तक मुझे पता चला है किसी की मृत्यु नहीं हुई है, बाकी जो भी क्षति हुई है उसका आकलन किया जा रहा है और नियमानुसार जो भी मुआवजा होगा वो संबंधित का। तेज आंधी आई है, काफ़ी बारिश हुई है और कम से कम हर किसान का 100-100 कुंटल गेहूँ यहाँ बिक गया। लगभग कुल कितना गेहूँ? और पूरे तीनों केंद्रों के मिला के कम से कम 2-3 हज़ार कुंटल गेहूँ बर्बाद हो गया। किसकी लापरवाही मानी गई? अब ये केंद्र प्रभारियों की लापरवाही है, 8-8 दिन से टोकन से काम नहीं करते, जिसको बुला लेते हैं उसका तौलते नहीं है, जिसकी सेटिंग हुई उसका तौलते। दिक्कतें क्या हुई इससे आप लोगों की? साल भर हिसाब पड़े हैं हम, जिसके लिए तो 1500 का जो घर में तौल लेते तो हमको लगता है ज्यादा अच्छा था। साल भर आपने पूरी मेहनत इसमें की? पूरी मेहनत की इस आशा से कि 2 गुना हमको दाम मिलेगा, योगी सरकार की योजना थी, लेकिन हमको अपने 1500 में यहाँ लाने पड़ रहे हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का सोशल मीडिया पर बना पेज अचानक हैक होने पर उस पर अभद्र टिप्पणी करने से हड़कंप मच गया है। मामले की शिकायत लखनऊ की गौतमपल्ली पुलिस को की गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं हैक होने के कुछ समय बाद पेज रिकवर हो गया। माननीय मंत्री जी द्वारा कल रात में अवगत कराया गया कि उनकी वेबसाइट है उसको किसी अवांछनीय तत्वों द्वारा हैक कर लिया गया है और उस पर अवांछनीय और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इस सूचना पे उनके PS द्वारा एक तहरीर प्रदान दी गई, जिसके आधार पे गौतमपल्ली थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
और विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। साइबर सेल की मदद से जो भी अज्ञात व्यक्ति है उसके अनावरण का और उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि रात्रि में ही मंत्री जी द्वारा बताया गया, उनके द्वारा खुद देखा गया, तो जो कंटेंट थे वो उस समय हट चुके थे। बाकी अवगत कराया गया कि जो भी स्क्रीनशॉट या जो भी लॉगिन आईडी है वो हमें उपलब्ध करा दी जाए, तो इस संबंध में उनके पीए द्वारा बताया गया कि वो सब उपलब्ध करा दी जाएगी, उसके आधार पर घटना का अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और यूपी युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक की गई। यह बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल की अगुवाई में की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने राजधानी लखनऊ में सक्रिय, जुजाक और समर्पित व्यापार नेताओं की टीम बनाई है। समाज की संस्थाओं के निराकरण और सम्मान को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए व्यापारी नेताओं को आगे आना चाहिए। राजधानी लखनऊ में BA TET 2011 के बैच के उम्मीदवारों ने लखनऊ के इको गार्डन में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान BA TET उम्मीदवारों की पुलिस से झड़प हुई। दरअसल उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अपनी नियुक्ति ना किए जाने से सरकार से नाराज हैं। उम्मीदवारों ने यूपी सरकार से अपनी नियुक्ति किए जाने की मांग उठाते हुए सरकार को चुनाव के समय उनसे किए गए वादों को याद दिलाया। उम्मीदवारों ने बातचीत में बताया कि भाजपा सरकार ने चुनाव से सरकार बनने पर BA TET 2011 बैच के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का वादा किया था, जो कि सरकार बनने में लगभग 11 महीने बाद भी पूरा ना हो सका। उम्मीदवारों ने योगी सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्त करें। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर मांग पर ध्यान ना दिया गया तो उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जालौन में आयरा संगठन ने पत्रकार उत्पीड़न को लेकर यूपी के सीएम के नाम ज्ञापन कोच तहसीलदार गुलाम सिंह को दिया है, जिसमें मांग की है कि यह कुछ दिनों पहले गाजियाबाद में दो निजी चैनलों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसको सरकार वापस ले। ये आज यहाँ पहुँच की जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधित करते हुए दिया गया है कि गाजियाबाद में दो समाचार चैनलों के विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय के आदेश से जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें झूठी खबर प्रसारित करने और सरकारी विभागों को ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए गए हैं। इसके प्रतिकार स्वरूप, इसके विरोध स्वरूप यहाँ जो पत्रकारों के द्वारा ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, ये प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है और एक तरह से अघोषित आपातकाल लगाए जाने की बात इसमें कही गई है। तो ये समुचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन भेजा जा रहा है। आयरा संगठन के जिला सचिव पुष्पेंद्र द्विवेदी ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर अघोषित सेंसरशिप लगाई जा रही है, जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं आयरा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सोनी ने कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब किसी विभाग के विरोध में हम लोग खबर प्रसारित करते हैं तो विभाग हावी हो जाता है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और सभी पत्रकार साथियों से ऐसे मामलों पर जमकर मुकाबला करेंगे। आज हम लोगों ने ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन से एक ज्ञापन माननीय तहसीलदार की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग की है कि गाजियाबाद में जिलाधिकारी रितु महेश्वरी द्वारा दो टीवी चैनल के विरुद्ध जो FIR दर्ज कराई गई उसको वापस लें और प्रेस पर जो सेंसर लगाने का एक काम किया जा रहा है इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि जब प्रेस ही स्वतंत्र नहीं होगी तो हम लोग सच कैसे दिखाएंगे। और हम लोग दिन भर वैसे भी काम करते हैं, सच दिखाने के लिए फील्ड में रहते हैं, और हमारे ऊपर जब सरकार के विरोध में कोई खबर चलती है तो उस पर मुकदमा दर्ज करा के हम लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है, पत्रकार कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ज्ञापन हमने यहाँ तहसीलदार भूपाल सिंह द्वारा ये माननीय योगी आदित्यनाथ को भेजने के लिए आयरा ऑल इंडिया आयरा एसोसिएशन की तरफ से दिया गया है, जिसमें ये मांग की गई है गाजियाबाद में दो चैनलों के खिलाफ जो षड्यंत्र के तहत जो मुकदमा लिखा गया है, हम सभी आयरा की तरफ से ये मांग करते हैं कि ये मुकदमा वापस होना चाहिए और आए दिन हमारे मीडिया या चैनल के लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र के तहत मुकदमा लिखा गया है गाजियाबाद में, हम सभी लोग इसकी घोर निंदा करते हैं।
कन्नौज में 108 एम्बुलेंस सेवा की मनमानी सामने आई है। सदर तहसील के हैबतपुर कटरा गांव के एक ग्रामीण ने पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए 108 नंबर पर फोन किया था, लेकिन एम्बुलेंस ने गांव में आने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद मजबूरी में पीड़िता का पति अनुज सामान ढोने वाले ठेले पर लाद कर अपने पत्नी को 9 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल ले गया। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों कहर बनकर आई आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। इसके कारण अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 47 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। यूपी के राजस्व और राहत आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि 40 से 50 लोगों की मौत होने की खबर है। आगरा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर ही पीड़ितों को राहत मुहैया कराया जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि आंधी तूफान के कारण जहां जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए तत्काल राहत कार्य शुरू करें। आपको बताऊं, कल जो 7 बजे से जो आंधी आने का जो सिलसिला हुआ देर रात तक चला, इसमें से 5 मंडल प्रमुख रूप से प्रभावित हुए, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, अलीगढ़, मेरठ और आगरा। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी एक जगह हुआ तो आगरा मंडल के आगरा ज़िले में हुआ, जहाँ करीब करीब डेथ्स जो ह्यूमन डेथ्स हैं वो करीब 40 हुई, जिसकी वो संख्या और धीरे धीरे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि एक आध घंटे में ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा और कि क्या एग्जैक्ट नंबर है। और वहाँ पर करीब 150 से ऊपर पशु हानि भी हुई है, उसकी भी सूचना प्राप्त हुई है। इसी तरह 3 डेथ्स बिजनौर में, 2 डेथ जो है सहारनपुर ज़िले में, 1-1 डेथ्स जो है बरेली ज़िले में, पीलीभीत में, बरेली में, इन सब ज़िलों में हुई है। कुल मिलाकर के जो ह्यूमन डेथ्स हैं उसका आंकड़ा करीब करीब 50 के आसपास ये पहुंच गया है, जो कि थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है। और ह्यूमन डेथ्स के अलावा जो पशु हानि हुई है उसकी भी संख्या करीब करीब 160 हो गई।